नमस्ते, हरि ओम, नमः शिवाय। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक फ्रेश कैंडल वैक्स रीडिंग। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका नाम, पूरा नाम आपको अपने मन में 3 बार रिपीट करना है और उनके चेहरे पर आपको फोकस करना है। और रीडिंग के जरिए हम देखेंगे कि उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी जो ओवरऑल एनर्जी है, वो इस समय पर आपके टूवर्ड्स कैसी है। ओके, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, यानी कि कभी भी ये वीडियो, ये रीडिंग अगर आपके सामने आती है, उसी समय पर ये मैसेजेस जो हैं आपको मिलने हैं। कंप्लीटली इंट्यूटिव तो नहीं है, मैं यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन कर पाती हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, और उसके बाद में बाय द एंड ऑफ द रीडिंग इंट्यूटिव मैसेजेस भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आप लोगों के लिए फ्रेश डिविनेशन वाटर भी रेडी है। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। महादेव, प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स टुडे। चलिए लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। वी हैव अ पॉइंट। ओके, सबसे पहला मैसेज गाइस जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है, वो यही है कि इनका जो फोकस है दिन भर में, वो हो सकता है कि आज पूरे दिन में आपके ऊपर रहने वाला है, या अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आप लोगों की चल रही है तो लगातार ये इंसान उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अगेन लास्ट 2-3 रीडिंग से एक्चुअली ये मैसेज आ रहा है दैट समबडी, मेरे व्यूअर्स में से कोई जो रीडिंग देखते हैं, स्पेशली जो कैंडल वैक्स रीडिंग देख रहे हैं, कहीं से कोई प्रपोजल जो है वो आने वाला है। तो ये ऐसा हो सकता है कि शायद आपके क्रश की तरफ से कुछ प्रपोजल आने वाला है, या कोई ये पुराना इंसान है वो वापस से लौट करके आने वाला है। ये इंडिकेशन भी कई टाइम से आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि 15 जुलाई से पहले पहले, जो लोग आज ही रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है, 15 जुलाई से पहले पहले कोई पुराना इंसान जो है वो वापस आ रहा है, एंड कमिंग बैक विद एन ऑफर, एक ऑफर के साथ में वापस आ रहा है। आप लोग अगर किसी और महीने में ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपका जो भी ऑन गोइंग मंथ है उसमें 15 से पहले पहले ये होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, या नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख से पहले पहले। ओके, ओ ऑल राइट, आई कैन सी यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है। ओके, इस पर इस इंसान ने आपको ऐसा फील करवाया है, या ये आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं जैसे इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से आपसे डिसकनेक्ट कर लिया है, और आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उन सब चीज़ों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंसान बहुत क्यूरियोसिटी से, या बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी लाइफ इवेंट्स को नोटिस कर रहे हैं, या ये इंसान जो है आपसे हट गए हैं, इनका ये शो कर रहे हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ये पर्सन जो है आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये नए कनेक्शंस के लिए भी हो सकता है, ये नो कॉन्टैक्ट के लिए भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी हो सकता है। ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये आपके एक्शंस को, आपके बिहेवियर को, आपसे जुड़ी हर चीज को बहुत ध्यान से ये व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो रीडिंग है ये किसी ट्विन फ्लेम के पास में भी पहुँचने वाली है। कोई पर्सन जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके पास में ये रीडिंग पहुँचने वाली है। हालांकि हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा रेयर नहीं होते हैं। कुल मिला के 2,000 से 3,000 कपल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि ट्विन फ्लेम्स हैं, और वो लोग भी जो होते हैं एक्चुअली दे बिकम वेरी पॉपुलर, दे बिकम वेरी फेमस, क्योंकि उनका जो जीवन होता है, उनकी जो बर्थ होती है, वो पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए होती है। ठीक है, सो होपफुली आई एम गेटिंग दिस इंट्यूजन कि मेरी ये जो रीडिंग है ये एक्चुअल किसी ट्विन फ्लेम तक पहुंचने वाली है, और उनको उनकी जर्नी में कुछ मदद मिलने वाली है। दोबारा से गाइस हमारे पास में यू बन गया है। लेटर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेटर एस है, इसको हम न्यूमेरिकली नंबर 5 या मई का महीना भी कंसिडर कर सकते हैं।
लेटर पी, लेटर आर, लेटर ए मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेटर डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन यहाँ पे जो है किसी टीचिंग प्रोफेशन में है किसी तरीके से, या तो आप टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, या आपके पर्सन जो है वो टीचर या प्रोफेसर हैं, या मैक्सिमम लोग यहाँ पे हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो टीचिंग प्रोफेशन में हैं। ओके, कुछ ना कुछ सिखाते हैं या कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, या इवन किसी तरीके की कंसल्टेंसी में भी हो सकते हैं। ये हिंट्स हैं गाइज आप लोगों के लिए। ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग, तो ऑब्वियसली बात है कि हर किसी के लिए हर चीज़ मैच नहीं होगी, बट जितना जो आपके लिए लगता है आपको कि आपका ये मैसेज है उसको ग्रैब कीजिए। ऑल राइट, दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इंसान जो है आज के दिन में अगर आप लोगों के बीच में कुछ समस्या चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उससे थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इनके दिमाग में आज ये बात आए कि अगर किसी परेशानी में आप हो तो उसके इक्वल जिम्मेदार आप भी हो, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो वो ब्लेमिंग वाला पॉइंट होता है वो मुझे आज रीडिंग में दिखाई दे रहा है। ओके, या हो सकता है कि इस पर्सन का जो नेचुरल नॉर्मल जो बिहेवियर है वो भी इस तरीके का ही है। ये इंसान आज के दिन में सोचने वाले हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, या आपसे जुड़ी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग इनकी होने वाली है, और ये नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी इनके थॉट्स जो है वो थोड़े बहुत जा सकते हैं। सो अगर आप इस पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट में हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनके ऊपर इनके माइंड को पॉजिटिवली आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हो। अगेन आई एम गेटिंग दीज ब्लैक स्पॉट्स इन द रीडिंग। वाई गाइज, मैंने अब तो आप लोगों के साथ में वो वीडियो भी शेयर कर दिया है हाउ टू रिमूव ईविल आई, तो वो ईविल आई रिमूवल एटलीस्ट आप लोग कर सकते हैं। ऑल्दो पहले जितना नहीं है, तो आई एम प्रिटी श्योर कई लोग जो उपाय मैंने बताया है उसको कर रहे हैं। ओके, जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं ये रीडिंग, उनको मैं बता दूं कि एक वीडियो मैंने अपलोड करी है चैनल पर टैरो बाय टीजे पर, जिसपे कि मैंने बताया है कि कैसे आप अगर आपके जोड़े को आपके कपल को नजर लग गई है तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो। वो बहुत बहुत ईजी सा और बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है, ठीक है, उसको ज़रूर से करिएगा। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी परेशानी चल रही है या एक ऐसी सिचुएशन चल रही है बहुत जो लंबे टाइम से चलती आ रही है, या आप इस चीज़ में ना उलझे हुए हो। आपके पर्सन का माइंड भी ऐसा लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ में आकर के कहीं अटक जाता है, या तो ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और सब कुछ इनको एकदम पिंक नज़र आता है, सब कुछ इनको एकदम बढ़िया नज़र आता है, और फिर उसके बाद कोई एक ऐसी बात इनके माइंड में हिट होती है जहाँ पर जाकर के अचानक से इनका थॉट प्रोसेस रुक जाता है और उसके आगे ये कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी ये हो सकता है फैमिली अप्रूवल से जुड़ी कोई बात हो सकता है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ा हुआ हो, कुछ हेल्थ इश्यूज इस पर्सन को है ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आज के दिन में भी हो सकते हैं कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं दिखाई दे रहे हैं टचवुड, बट यस देयर आर सम हेल्थ इश्यूज जिनसे इनको डील करना पड़ेगा आज के दिन में, या थोड़ा सा अपनी सेहत के ऊपर इस व्यक्ति को ध्यान देना पड़ेगा। अगेन अगर आप इस पर्सन के साथ में अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तो आपको इन्हें गाइड करना पड़ेगा गाइज। ओके, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, और जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ऐसा लग रहा है कि ये अपने काम के बारे में भी ज़रूर सोच रहे हैं, या कोई थर्ड एलिमेंट अगर प्रेजेंट है या कोई थर्ड पर्सन अगर प्रेजेंट है, थर्ड पार्टी का इंडिकेशन है यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग में। अगर कोई तीसरा इंसान आप लोगों की सिचुएशन में जुड़ा हुआ है, या पर्सन नहीं है तो कोई ऐसी अलग से कोई सिचुएशन है, तो ये उस थर्ड एलिमेंट के बारे में, जो भी आउटसाइड एलिमेंट है उसके बारे में भी बहुत एक्टिवली सोचने वाले हैं, या कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उस बात का ध्यान जो है वो इनके माइंड में आने वाला है। यहाँ पे जो राशियां मुझे क्लिक हो रही हैं, कैंसर राशि है, स्कॉर्पियो राशि है, पाइसिस राशि है, लीब्रा और एक्वेरियस राशि भी मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। पाइसिस राशि वाले शायद बहुत सारे लोग हैं, और इसके साथ में एयर साइन में लीब्रा और एक्वेरियस, मैंने बोला जेमिनाई वाले थोड़े से कम मुझे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आज के दिन में। फ्रॉम द फायर साइन देयर कुड बी सेजिटेरियंस हो सकते हैं, या जो व्यूअर्स हैं उनकी राशि लियो हो सकती है। ओके, लियो राशि वाले हो सकते हैं, ये मैसेज मैं चैनलाइज कर रही हूं।
आज के दिन में, इस समय में ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? महादेव प्लीज गाइड मी फॉर दिस पर्सन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर इनका टेम्परामेंट थोड़ा हाई है, किसी चीज को लेकर के या तो ये नाराजगी फील कर रहे हैं, या ये गुस्से में हैं, या किसी से अभी अभी इनका आर्ग्यूमेंट हुआ है और ये अभी फिलहाल किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। ओके, कहीं निकल रहे हैं या कहीं से घर अपने शायद वापस आ रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि घर ही पहुंच रहे हो, मे बी ऑफिस पहुंच रहे हो, मे बी अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, बट या तो कहीं से निकले हैं या कहीं पहुंच रहे हैं। कुछ रिसेंट कोई जर्नी हुई है। ओके, आई कैन सी कि ये पर्सन जो है किसी सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे गानों से जुड़ा हिंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी ये अपने किसी फेवरेट सॉन्ग को सुन रहे हैं या सुनने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी आ रही है। माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, बट चीज़ें इनको बार बार इनकी प्रॉब्लम की तरफ धकेलती हुई दिखाई दे रही हैं। येस, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन। ओके, आज के दिन में थोड़ा सा ये पर्सन ना स्टक महसूस कर सकते हैं, या ओवरऑल जो इनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स है वो आपको फील हो सकती है कि जैसे ये पर्सन स्टक हैं, कुछ सही से डिसीजन या कुछ सही से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कमिटमेंट के लिए मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो वो शॉर्ट्स पे मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी। सो प्लीज़ स्टे इन टच। मुझे नहीं पता, एक दो दिन में शायद आ जाएगी वो, आप लोगों तक पहुँच जाएगी वीडियो। यस, सो कमिटमेंट इश्यूज अगर हैं तो वो जो रेमेडी है वो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। फिलहाल गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है आज के लिए जो कलर मुझे इंडिकेट हो रहा है ना इनके आसपास में, एक तो ग्रीन कलर का मैंने आप लोगों के लिए कैंडल यूज किया है, हार्ट चक्रा कैंडल यूज किया है, तो ग्रीन कुड बी समवेयर अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द हो सकता है, या हो सकता है इन्होंने आज कुछ ग्रीन कलर का पहना हो। और नेवी ब्लू भी इंडिकेट हो रहा है बहुत स्ट्रांगली, ब्लू जो डार्कर वाला ब्लू होता है ना, डार्क ब्लू, वो कलर का ब्लू जो है इंडिकेट हो रहा है मुझे। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेने के बारे में, किसी ज्योतिष या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित जी की हेल्प लेने के बारे में, या किसी प्रीस्ट की हेल्प लेने के बारे में, जो भी आपका फेथ है उसके अकॉर्डिंगली कुछ स्पिरिचुअल हेल्प लेने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं, या किसी से कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, टू कम आउट ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ऑल राइट, सो गाइज, आज के लिए इतना ही। इनकी जो एनर्जी है आपके टूवर्ड्स, और जनरल एनर्जी भी हमने चेक कर ली है डिवाइन की तरफ से, महादेव की तरफ से जो मैसेजेस हैं, आई रियली होप कि आप लोगों की इस रीडिंग से कुछ हेल्प हुई हो। जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।